पढ़ के आती है, दोनों पैरों से दिव्यांग एक बालिका का हौसला देखकर सभी लोग उसके साहस को सलाम कर रहे हैं। घुटने के सहारे चलकर पढ़ने जा रही एक बालिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके हौसले को सलाम भी कर रहे हैं। बालिका सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड स्थित बैजनाथपुर वार्ड नंबर 2 निवासी साधु दास की 16 वर्षीय पुत्री रजनी है। दोनों पैरों से दिव्यांग रजनी कुमारी को, जो मनोहर उच्च विद्यालय बैजनाथपुर में 11वीं की छात्र है, 2023 में इंटर की परीक्षा देगी, जिसकी तैयारी में जुटी है। दोनों पैर कटे रहने के बावजूद भी वे घुटने के सहारे चलकर स्कूल और कोचिंग पढ़ने जाती है। रजनी पढ़ लिख कर गायकी में अपना नाम कमाना चाहती है। रजनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पैर कटने के बावजूद भी रजनी जो है वो घुटने के सहारे स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रजनी जो है वो किन परिस्थितियों का सामना करते हुए हर रोज़ स्कूल जाती है। रजनी का कहना है कि वो आगे चलकर एक गायक बनना चाहती है, अच्छे गाने गाती भी है रजनी, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसके साहस को सलाम कर रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं। किस क्लास में पढ़ती है, क्या नाम है, मम्मी पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, मेरे पापा सन पापड़ी बेचते हैं। काय भाई बहन है तू? चार बहन एक भाई। अभी पढ़ के आती है? हाँ। तो तुम्हारे अंदर देख रहे हैं विकलांग होते हुए भी जोश जज्बा है पढ़ने लिखने का, तो पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? सिंगर। क्या बनना चाहती है? सिंगर।